नगरी इंदौर शहर में आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। यहां उन्होंने अरविंद अस्पताल में भर्ती कोविड वार्ड में मरीजों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने पीपीई किट पहनकर अलग अलग वार्डों का निरीक्षण किया। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुरुवार को अचानक इंदौर पहुंचे, जहां वे सीधे अरविंदो हॉस्पिटल के कोविड 19 सेंटर पहुंचे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पीपीई किट पहनकर वार्ड में दाखिल हुए। उनके साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी साथ थे। गृह मंत्री ने यहां पूरे वार्ड का निरीक्षण किया और कोरोना मरीजों से बात कर इलाज के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ है, आप निश्चिंत होकर इलाज कराइए, किसी प्रकार से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरविंदो हॉस्पिटल के प्रबंधन डॉक्टर विनोद भंडारी ने इलाज को लेकर गृह मंत्री को जानकारी दी। वे कोरोना महामारी को लेकर अधिकारियों से बैठक भी करेंगे। गृह मंत्री के साथ कलेक्टर आईजी सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी कल स्पष्ट खुद बोल चुके हैं कि बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। शनिवार इतवार की तो मैं समय सीमा नहीं देता, पर ये उनका व्यक्तिगत प्रिविलेज होता है चीफ मिनिस्टर का। तुलसी भैया और हम दोनों मेरे ख्याल से नहीं बता पाएंगे तारीख। प्रश्न बहुत गूढ़ है आपका। हमारे पास में पीपीई किट पर्याप्त मात्रा में, हमारे पास में मास्क पर्याप्त मात्रा में है, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन बेड पर्याप्त मात्रा में, आईसीयू के बेड पर्याप्त मात्रा में, और सब निःशुल्क, कोई सशुल्क नहीं है, सब निःशुल्क है। ये मध्य प्रदेश का है। आप डीजल के दाम जो है पेट्रोल से भी ज्यादा।